दोस्तों पता नहीं ये प्रथा कब से चली आई, ये प्रथा है भी या नहीं, लेकिन हमारे आज के जो मेहमान हैं वो मुझे डॉन बुलाते हैं और मैं उन्हें डॉन बुलाता हूं। जैसा मैंने कहा, पता नहीं ये किसने शुरू किया, मेरे ख्याल से उन्होंने ही शुरू किया, लेकिन आई कंटिन्यूड, और इसलिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉन विपुल शाह को। डॉन, वेलकम टू कोमल नाडा ऑफिशियल। यू कांट कॉल मी डॉन बिकॉज दैट्स यू। I am just a common man. You are the Don. So I started it because appropriately तो बुलाना चाहिए ना। और ऐसे Don Giri मैंने क्या की? No, it's you don't have to do any Don Giri ना. It's just that you are a Don. Vipul, how has the lockdown treated you? Actually. It was very challenging for the whole world, but sabhi ne bahut takleefe jheli lockdown ke dauran, but main us mamle mein thoda khushkismat bhi apne aap ko manta hu, kyunki do projects humne complete kiye lockdown ke dauran, aur mujhe ek bahut achhi baat ye hui ke family ke sath jo time bitane mila, I think wo bahut important tha. mera ek beta London mein padhta hai, ek Spain mein, तो वो भी वापस आ गए थे और सब घर में बंद थे, क्या करें, तो हम चारों, मैं, मेरी वाइफ, मेरे बेटे और मेरी माँ, हम लोगों को काफी वक्त मिला साथ में, एंड आई थिंक दैट इज वन बिग पॉजिटिव आउट ऑफ द लॉकडाउन। आई नो माय सन्स बेटर, मैं मेरे बच्चों को ज्यादा अच्छे से समझता हूँ ऐसा मुझे लगता है। और फिर दो प्रोजेक्ट भी हुए तो कैन नॉट कंप्लेन। दो प्रोजेक्ट्स यानी सनक और ह्यूमन, जो आपकी वेब सीरीज है जी, तो ये दो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने में तो आप को बाहर भी निकलना पड़ा होगा। हाँ, बाहर भी निकलना पड़ा, ऑफिस भी हमने खोला, बट जितने जरूरी लोग हो उतने ही ऑफिस आते थे, बाकी सब वर्क फ्रॉम होम, नीड बेस्ड आना। मैं जितना घर से हो सकता था कर लेता था, पर ऑफिस तो आना ही पड़ेगा, यू कांट, आप घर से उतना ही काम कर सकते हैं, पर्टिकुलरली इन फिल्म मेकिंग, जहां आपका क्रिएटिव इंटरेक्शन हर डिपार्टमेंट के साथ, इतने सारे लोगों के साथ होता है, तो घर पे से वो सब नहीं हो पाता, क्योंकि बिल्डिंगों में एंट्री नहीं थी, कोई बिल्डिंग में आ नहीं सकता, आपके घर पे कोई आ नहीं सकता, और आपको वो सारे कायदे फॉलो करना जरूरी भी है, बिकॉज आप रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना चाहते हैं। तो ऑफिस आते थे हम लोग, और नीड बेस आके स्ट्रगल थी, बहुत अलग एनवायरनमेंट था, बट आई थिंक ओवरऑल हम कर सकते। एक्चुअली मैं हमारे व्यूअर्स को बता दूं, ये विपुल शाह जो बार बार बोल रहे हैं नीड बेस, एक्चुअली उनका पूरा स्टाफ भी अगर ऑफिस में आता लॉकडाउन के दौरान तो भी ठीक रहता, क्योंकि उनका ऑफिस इतना बड़ा है कि हर स्टाफर के लिए एक रूम है, कोई कोई स्टाफर्स जैसे विपुल शाह खुद, उनके लिए दो और तीन रूम्स है, इतना बड़ा ऑफिस है, बहुत कम प्रोड्यूसर्स के इतने बड़े ऑफिस होते हैं। खैर, विपुल, सनक तो रिलीज हो गई, ह्यूमन का क्या प्रोग्रेस है? ह्यूमन अब पोस्ट प्रोडक्शन में है और बहुत जल्द वो भी रिलीज हो जाएगी, होपफुली इसी साल में रिलीज करने का प्लान है, बट बिकॉज ये बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है और मेरा पहला वेब शो भी है, हम लोग लगे हुए हैं डे नाइट, बट कोई घाई नहीं है, जब हम सब सेटिस्फाइड होंगे और हमारा प्लेटफॉर्म भी सेटिस्फाइड होगा तब रिलीज करेंगे। और कौन से प्लेटफॉर्म के लिए बनाया है ये? ये हॉटस्टार डिज्नी के लिए है। ओके, डिज्नी हॉटस्टार। और जब सनक बन रही थी तब सिनेमा के लिए बन रही थी या पहले ही सोच लिया था आपने कि ये प्लेटफॉर्म पर ही प्रीमियर होगी? नहीं, एक्चुअली जब हमने फिल्म, मैंने पहली बार देखी थी, तब तक तो खैर कोई डिस्कशन ही नहीं था कि थिएटर के अलावा कहीं और रिलीज करेंगे, तो मैंने जब पहली बार देखी थी तो हमने तय कर लिया था कि इसके लिए हम वेट करेंगे और थिएटर में ही आएंगे। अनफॉर्चुनेटली थिएटर खुलने का जो पीरियड था वो पोस्टपोन होता चला गया। हमारी फिल्म रेडी हो चुकी थी मार्च में, अच्छा, तो मार्च 2021 में जी, तो हमने फिल्म 6 महीने होल्ड की और फिर हमें लगा कि अब जो एक सही डिसीजन है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे फिल्म को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना ये भी एक हमारी एज ए प्रोड्यूसर जिम्मेदारी होती है, उसको करेक्ट तरीके से रिलीज करना, तो वो बहुत जरूरी था, इसलिए फिर हमने ये डिसीजन लिया
जी और हम जी मेरे पार्टनर हैं इस फिल्म में, कि इसे क्योंकि हमने आगे अप्रैल मई तक कोशिश की कि कोई एक अच्छा विंडो मिल जाए थिएट्रिकल रिलीज का, और वो लग नहीं रहा था कि कहीं कुछ मिलेगा। और जिस दिन हमने डिसीजन लिया उस दिन ये भी नहीं पता था कि बम्बई या महाराष्ट्र में थिएटर्स कब खुलेंगे, तो फिर हमें लगा कि ये मामला उलझ जाएगा और हमारी फिल्म को एक अच्छी रिलीज हम नहीं दे पाएंगे। तो हमने फिर ये डिसीजन लिया कि हॉटस्टार पे रिलीज करते हैं। एंड ऑनेस्टली जो फीडबैक मैं देख रहा हूँ, जो नंबर्स मैं देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि बहुत ही शानदार डिसीजन ये फिल्म के लिए रहेगा। यू नो विपुल, आपके इस जवाब से मेरा अगला सवाल निकला है, इसका क्या ये मतलब है कि लॉकडाउन ने प्रोड्यूसर्स की आंखें खोल दी और प्रोड्यूसर्स अब ओटीटी पर प्रीमियर करना, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर अपनी फिल्मों को प्रीमियर करना ज्यादा प्रॉफिटेबल मानेंगे, समझेंगे? देखिए, मुझे ये लगता है कि जब तक आपकी फिल्मों का जो ये एक ब्लॉकेज है, ये जब तक स्मूथ नहीं हो जाता, बैकलॉग जब तक क्लियर नहीं हो जाता, तब तक ये समस्या रहेगी। और तब तक मुझे लगता है कि प्रोड्यूसर शायद ऐसा रास्ता अपनी फिल्म के लिए चुन सकते हैं। बट मुझे लगता है कि अगले साल जून जुलाई या उसके बाद जब भी ये बैकलॉग क्लियर हो जाएगा, उसके बाद हम फिर से देखेंगे एक नॉर्मल सी आते हुए। हम भी सब अपनी फिल्में थिएटर में रिलीज करना चाहेंगे। हाँ, ये एक मैं जरूर कहूंगा कि एक बहुत बड़ा आई ओपनर है ओटीटी की जो रीच है और जिस तरीके से वो आपकी फिल्म को लोगों तक ले जाते हैं। तो मुझे ये जरूर लगता है कि हम प्रोड्यूसर्स आगे चल के दो किस्म की फिल्में बनाएंगे, एक थिएट्रिकल के लिए जो हम सिर्फ थिएटर से रिलीज करके फिर ओटीटी और सैटेलाइट पे ले जाएंगे, और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जो ओटीटी पे रिलीज करना शायद ज्यादा बेनिफिशियल होगा क्योंकि वो फिल्म ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी। तो मुझे लगता है कि आगे चलते हुए हर कंपनी में आप दो तरीके की फिल्में बनते हुए देखेंगे, प्योर थिएट्रिकल और प्योर ओटीटी। तो दोनों धाराएं एक साथ चलेंगी आने वाले वक्त में, ऐसा मुझे लगता है। पर हर बड़ी फिल्म या हर इम्पोर्टेंट फिल्म अगले साल से फिर थिएटर में ही रिलीज होगी, ऐसा मैं मानता हूं। और ये जो थिएट्रिकल विंडो है, अभी तो प्री कोविड डेज में 6 वीक्स का, 6 हफ्तों का हुआ करता था, आपको लगता है अब इसे छोटा कर देना चाहिए? मैं उल्टा मानता हूं। मैं मानता हूं कि जो गैप है थिएट्रिकल रिलीज से ओटीटी या सैटेलाइट पे जाने का, वो और ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि हाँ, मैं ऐसा इसलिए मानता हूं कि जब आपकी फिल्म थिएटर में रिलीज होती है और लोगों को भरोसा होता है कि 2 नहीं तो 4 हफ्ते में ये ओटीटी पे आ ही जाएगी, तो बहुत सारी ऑडियंस आपका थिएट्रिकल फिल्म थिएटर में देखने की बजाय ओटीटी पे देखना पसंद करेंगे, वेट कर लेंगे। हर फिल्म को थिएटर में जाने की फिर उनकी एक इच्छा खत्म हो जाएगी, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट मुझे लगता है कि हमारा थिएट्रिकल बिजनेस जो है, नंबर ऑफ पीपल कमिंग टू थिएटर, वो कम होना शुरू हो सकता है। अगर आपका विंडो लंबा है, ज्यादा बड़ा है, 8 वीक 10 वीक का विंडो है, तो मुझे लगता है कि फिर लोगों के पास अगर पिक्चर अच्छी है तो वो थिएटर में ही आके देखेंगे। 8 वीक कोई नहीं रुकना चाहता एक फिल्म को देखने के लिए, और ओटीटी पे जब भी आती है, 8 वीक बाद आए, 10 वीक बाद आए, एक सर्टन ऑडियंस उसके लिए हमेशा रेडी रहता है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये विंडो कम नहीं करना चाहिए। हालांकि हाइब्रिड भी अगर जाना हो, या तो फिर आप हाइब्रिड चले जाओ, फर्स्ट डे से ओटीटी पे अवेलेबल है, थिएटर में भी अवेलेबल है, आपको जहां देखनी है आप देख सकते हैं। अगर हाइब्रिड मॉडल ना हो और फर्स्ट डे ना हो, तो फिर के गैप लंबा, जितना लंबा होगा उतना थिएट्रिकल बिजनेस का फायदा होगा और ओटीटी का नुकसान नहीं। और आखिरी सवाल, आपकी कंपनी विपुल शाह का नाम कमांडो से सिनोनिमस माना जाता है, यू नो, अब कमांडो सीरीज को लेकर क्या प्लानिंग है और कितना कुछ हो चुका है इस लॉकडाउन के दौरान? तो कमांडो आगे तो जरूर ले जाएंगे, एक सही कहानी की खोज चल रही है। थोड़ा सा अलग जोन में जाने की भी कोशिश करना चाहते हैं हम लोग। अच्छा। और क्योंकि मैं काफी एक्शन फिल्मों से जुड़ा रहा पिछले कुछ सालों में, तो कुछ और सब्जेक्ट्स भी मैंने प्रिपेयर किए हैं जो कि एक्शन के अलावा भी, जो एक इमोशनल दुनिया में मैंने काफी फिल्में पहले भी बनाई है, तो yes. उस तरफ भी कुछ स्क्रिप्टें हम लोगों ने तैयार की हैं, जिसके ऊपर अब काम शुरू हो चुका है, एक्टरों से मुलाकात ये हो।
तो कमांडो तो जरूर बनेगी, और अलग टाइप की जो फिल्में या एक्शन के अलावा भी जो सब्जेक्ट बनने चाहिए वो भी फिर से मैं बनाना शुरू करूंगा। वो मैं मुझे रियलाइज ही नहीं हुआ कि मैं बैक टू बैक एक्शन फिल्में बनाता चला जा रहा हूं। अब मैं थोड़ा सा ऑफ कोर्स कमांडो फोर जरूर बनाऊंगा, लेकिन मैं साथ साथ और भी सब्जेक्ट हमने रेडी तो कर लिए हैं। ये 2 साल जो लॉकडाउन के थे उनमें सभी लोगों ने यही काम किया है, मैंने भी यही काम किया कि बहुत सारे आइडियाज पे काम करके कुछ बहुत अच्छे स्क्रिप्ट बने हैं, तो अब उनको भी आगे ले जाएंगे। चलिए, वेरी नाइस. दैट मीन्स वील हियर अ लॉट फ्रॉम विपुल शाह एंड सनशाइन पिक्चर्स इन द कमिंग मंथ्स एंड प्रोबेबली द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स. वी आर होपिंग दैट टू। थैंक यू डॉन, थैंक यू थैंक वेरी डॉन, थैंक मच. थैंक यू फॉर यू, टॉकिंग टू मी एंड गेटिंग अ थैंक यू. सीक्रेट आउट। नाउ लॉट ऑफ जर्नलिस्ट आर गोइंग टू हेट मी दैट आई कॉल यू डॉन एंड नॉट देम, बट आई विल डील विद देम, दैट्स ओके। थैंक यू, थैंक यू. थैंक हमारे यू, साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया. थैंक यू सो मच.